ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुल भूषण इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं, क्योंकि परमात्म पालना में पल रहे हैं। रोज सवेरे स्वयं भगवान हमें जगाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात, सवेरे अपना धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आ जाते हैं। भगवान की इस पढ़ाई से रोज दिल दिमाग हल्का हो जाता है और मन खुशियों में नाचने लगता है। सदगुरु बनकर वैसी पालना करते हैं और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जीवन जीने की कला सिखाते हैं, क्या करें और क्या न करें, हर कदम पर कैसे आगे बढ़ें, ये सब गाइडलाइन परम सद्गुरु के रूप में वो हमें देते हैं। और परमात्मा परम पिता के रूप में हमें इतना प्यार देते हैं कि उस प्यार में हम दुनिया को भूल जाते हैं, देह को भी विस्मृत हो जाते हैं और खो जाते हैं उसके प्यार में। संसार की सभी उलझने भूल जाती हैं, देहधारियों के दुखदायी प्यार मोह ममता सब समाप्त होने लगते हैं। तो आइए हम इस पुरुषोत्तम संगम युग की प्राप्तियों को याद करें। स्वयं भगवान हमारा हो गया, अपना धाम छोड़कर वो हमारी सेवा में उपस्थित हो गया। राजभाग्य ताज और तिलक साथ में लेकर हमारे पास आ गया और कहा, बच्चे ये सब तुम्हारे लिए हैं, अपना सिर आगे करो और मैं तुम्हारे सिर पे ताज रखूं। सिर आगे करो अर्थात समर्पित कर दो अपना सर्वस्व मुझे, अपने मन के सारे संकल्प, अपनी बुद्धि का सब कुछ, उसमें जो कुछ भरा है, पूर्व से जो ज्ञान भरा है, जो सत्य ज्ञान नहीं था, उस सब को भी समर्पित कर दो। ताज मिलेगा, कितनी बड़ी प्राप्ति, दिव्य बुद्धि देने आ गया है, भाग्य की रेखाएं हमारे हाथ के द्वारा खिंचवाने आ गया है। श्रेष्ठ भाग्य राजभाग्य लेकर ही हमारे सामने उपस्थित हुआ है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस और अपनी शक्तिशाली दृष्टि रोज हमें देता है। कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं ये, इनसे हमें कभी वंचित नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा उसने हमें अधिकार दे दिया, आँख खुलते ही मुझसे मिलन करो, वरदान लो, शक्तियां लो, समस्याओं का समाधान लो। बाप भोला बनकर बैठा है, जो चाहे लो, कितनी बड़ी चीज है। स्वयं भगवान सामने बैठकर कहता हो, बच्चे जो चाहे ले लो। तो आइए हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ सत्ता को पाकर पूर्णतया सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, अपने चित्त को निर्मल कर दें। ये बातें करनी है अपने से, मुझे बहुत सुखी होना है, शांत होना है, विकारों की अग्नि को शांत करके चित्त को निर्मल करना है। यदि भगवान को पाकर मैं ही सुखी नहीं होंगी तो भला संसार में और कौन होगा। यदि सर्वश्रेष्ठ पालना के बाद मैं आत्मा ही संतुष्ट मणि न बनी तो संसार में धन के पीछे भागने वाले लोग भला संतुष्ट कहाँ होंगे। तो हम अपने संस्कारों को दिव्य बना लें और याद रखें, जैसे संस्कार इस समय हम धारण कर लेंगे वही संस्कार पूरा कल्प हमारे साथ चलेंगे। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, हमारे ऊपर लेफ्ट साइड में ब्रह्मा माँ हमें बहुत प्यार से निहार रही है, उनके मस्तक से शीतलता की किरणें हमें मिल रही हैं।
फिर हमारे दाई ओर ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी तेजस्वी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर ब्रह्मा माँ से शीतलता की किरणें लेंगे और ब्रह्मा बाप से शक्तियों की किरणें, ये क्रम चालू रखेंगे, योग सहज हो जाएगा, परमानंदकारी हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।